अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो सबसे पहले हमने सोचा आज बहुत ही अच्छे से इसकी स्टार्टिंग करते हैं। और यहाँ पे सूर्य क्लास लिखी हुई थी, हमारे यहाँ भाई लेके आए थे, एक में सूर्य फलक लिखी हुई है तो एक में ये लिखी हुई, तो हमने सोचा आपको दिखा देते हैं। और काफ़ी अच्छा वीडियो बना रहे थे तो मैंने सोचा आपको इससे शुरुआत कर देते हैं। उसके बाद हम लोग गए थे बेगनगंज, क्योंकि अभी से हमें धीरे धीरे सामान लेके रख ली, माशाल्लाह से सामान बहुत सारा इकट्ठा हो गया है। तो वहाँ पे बेगनगंज मार्केट में पानी की टंकी के सामने सौरभ स्टील मेटल स्टील की दुकान है, तो ये है और ये इनके ये दुकान के मालिक हैं। और बहुत ही अच्छा इनके सामान मिलता है, बहुत ही अफोर्डेबल रेट में लगा देते हैं। तांबा पीतल स्टील जो भी लेना हो आपको, और डिनर सेट्स हैं, जो भी नॉन स्टिक का सामान, सब कुछ यहाँ मिलता है। और एक बार मैंने वीडियो बनाई थी तो उसने बोला डाली नहीं, हम ध्यान से डालना भूल गए थे। तो अब कि आपको लेना तो आप लोग वहाँ जा सकते हो। उसके बाद ये है मेरी क्लिप है मंडे की, मंडे को मैंने बनाया था चिकन, और सॉरी मंडे को बनाया था जी, मंडे को ही बनाया था। और यहाँ पे चिकन को सबसे पहले हमारे यहाँ बॉयल इसी तरीके से होता है, क्योंकि जो मुर्गी वही चिकन की जितनी भी स्मेल होती है और जितनी भी अंदर की डर्टीनेस होती है सब चली जाती है। हम लोग पानी से हल्का सा फूड कलर डाल देते हैं, अदरक लहसुन डाल देते हैं उसमें, और नमक डाल देते हैं और उसको उबाल लेते हैं। उबालने में उसमें चिकन डाल के एक खोल ले लेते हैं। उसके बाद चिकन को हम छान लेते हैं और जितनी भी गंदगी होती है हमारी वही पानी में निकल जाती है। और यहाँ पे अम्मी चिकन को है फ्राई करके पहले निकाल ली। अम्मी ने कहा चिकन वाला थोड़ा सा स्टू बना लेते हैं, क्योंकि ये सब बहुत जल्दी हमारे चिकन वाला बनता है नहीं है। स्टू स्टू जो बनता है मलाई टिक्का या बिरयानी बनती है, स्टू कभी नहीं बनता। अम्मी ने कहा स्टू बना, एक बार बनाया था ईद में, वो चिकन हरियाली बनाया था, एक बार चिकन अफगानी बनाया। चिकन बहुत तरीके के बनते हैं लेकिन स्टू नहीं बनता। तो हमने अम्मी से कहा कि अम्मी आज स्टू बना लीजिए। और यहाँ पे अम्मी बस चिकन को भून रही है, और अम्मी के कपड़े ना गंदे हो, अम्मी ने इसलिए एप्रन ऊपर से पहनने की वजह, अम्मी ने कहा ऊपर से रहने दो नहीं पहनेंगे, नीचे से ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, दावन आवन पे पूरा गंदी गंदा गंदा होता है, इसलिए अम्मी ने ऐसे ही बांध लिया था। क्योंकि नए नए कपड़े पहन लो, जब नहा धो के फिर गंदा हो जाता है, किचन में जाओ तो ऐसे होता रहता है। और यहाँ पे अम्मी एक गैस पे रख दिया अम्मी ने कुकर, कुकर में प्याज डाल देंगी, साथ साथ में दोनों काम अम्मी करती रहती हैं। और रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, रमज़ान शरीफ आ रहे हैं 2-3 दिन में इंशाल्लाह मेरा व्लॉग जाएगा, दूसरा भी रमज़ान वाला भी। इससे पहले कि हम लोग ने सारी तैयारी किया, सब अच्छे से हमारे यहाँ सफाई सफाई हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कोई बच्चे अच्छे हैं नहीं तो गंदा इतना होता भी नहीं है, लेकिन सफाई वफाई करनी पड़ती है रमज़ान से पहले भी। और चांद रात थे, और किचन विचन हमने धो ली, किचन में हमारे यहाँ ये टाइल्स लगे हैं तो बस उठा कर रगड़ देते हैं काथे से, और उसके बाद पानी डाल देते। पानी जो है बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पे भी पानी आता है, बड़ा मसला हो जाता है हर तरफ से, लेकिन सफाई हो गई। मैंने प्याज डाला, प्याज के बाद हरा मिर्चा डाल दिया, उसी में गोल मिर्च और लकड़ी और इलायची भी डाल दिए। उसके बाद ये हो जाएगा, हम उसी में चिकन डाल देंगी और जो हमारा मसाला है वो डाल देंगी। और ये हमारी जो प्याज है उसमें तेज़पत्ता अम्मी ने डाल दिया है, और यहाँ पे मसाला है अदरक लहसुन ले लिया है कटोरी भर के, उसमें अम्मी ने नमक डाल दिया है, और गरम मसाला जो है हम लोग आखिर में ऊपर से डाल देते हैं। और गरम मसाला तो अम्मी के घर के हाथों का बना हुआ है, अम्मी सब मसाला खरीद के लिए आती हैं, उसके बाद भून के उसको बना लेती। बाहर ही मिलता है लेकिन वो बात नहीं होती, बाहर के लोगों ने लकड़ी की ज़्यादा और जायफल ज़्यादा, महक बहुत आने लगती है इसलिए। और यहाँ पे अम्मी तेल समेत चिकन जो फ्राई करा वो चिकन भी पूरा इसी में अम्मी ऐड कर देंगी, ये भून लेंगी। उसके बाद हम इसमें जो मसाला था, मसाला भी हमारा डल चुका है क्योंकि पहले अदरक लहसुन डाल दिया, तो उसके बाद हम लोगों ने चिकन डाले, क्योंकि अदरक लहसुन की जो कच्ची स्मेल है वो चली जाएगी। उसके बाद हमारा चिकन जो है अच्छे से सॉफ्ट सा पक जाएगा, और बहुत ही अच्छा बना था। डैडी को ही मेरे बहुत पसंद, हमने सोचा डैडी को पसंद नहीं, क्योंकि वो कहते हैं चिकन में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करा करो तुम लोग, बट चिकन ऐसी चीज़ है कि चिकन पर इंसान सब कभी कोई रेसिपी जामा मस्जिद से देख ले, कभी कोई अजमेर की रेसिपी, कोई यहाँ की, तो इसी हिसाब से इंसान बना लेता है, तो एक सर होता रहता है। बस आप बताइएगा आप लोग क्या रमज़ान की क्या शॉपिंग हुई है, क्या हुआ है, आप लोग सब कमेंट सेक्शन में बताया। अम्मी ने बस एक सीटी लगा रही थी क्योंकि उबला भी है और फ्राई भी है, ज़्यादा सीटी लगाएंगे तो मुर्गा बिल्कुल घुल जाएगा, तो इसीलिए। और यहाँ पे हम आपको कैलेंडर दिखा रहे थे जो हमारी मस्जिद की तरफ से कैलेंडर बटे थे, और टाइमिंग 6:21 से शुरू होगी और लास्ट में आपकी 6:40 से जाएंगे। और मौसम को देख के कि ऐसा लग रहा है कि बस अल्लाह पाक ने रोज़दारों के लिए बस जन्नत के दरवाजे खोल दिए हम सब के लिए, और इतना प्यारा सा मौसम, सुबह के टाइम इतनी ठंड हो रही कि अभी तक कम्बल रखने की बजाय हम लोग रख ही नहीं रहे, बार बार निकाल के। और उसके बाद हमने कुरान शरीफ पढ़ी, और फिर उसके बाद हमारे 1 बजे हमारे डैडी नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं 1:40, उसके बाद हमारे खाने का टाइम हो जाता है। खाने में निकाल लिया था हम लोग ने कोरमा, सॉरी स्टू, और खीरा भी काट लिया था,
और धनिया भी, धनिया ऊपर से डाल रखा था, बड़ा मज़ा। तो ये रही मेरी प्लेट, आई होप आप लोग को रेसिपी पसंद आई हो। यस तूने बहुत फोटो अच्छी बनाई। अरे दिखा दो मौसम ऐसी यार, ये क्या कहें, लागत जो ना कोई घर है लेकिन मजबूरी है इंसान की, है कि नहीं। आगे तो दो साल कुछ भी नहीं, दो साल आगे तो कुछ नहीं, फिर तो और ज़्यादा काम रहेगा ना, फिर ज़्यादा खाना नहीं खा पाएंगे, शादियों में इतना खाना बचा रहेगा तो ज़्यादा बनाना नहीं पड़ेगा ना। मम्मी उधर शादियाँ इतनी थी तो कुछ एंजॉय करा, अब सन्नाटा हो गया, घर बैठने मज़ा नहीं आ रहा, तो लग रहा सन्नाटा लग रहा है, तबीयत घबरा रहा है। गर्मी के दिन तो ऐसे ही होते हैं, बुखार भी चल रहा है, सारे कर्म हो जा रहे हैं। गए थे उसके बाद सब मुकाम गए, बर्थडे में गए थे अब, हाँ यही वाले जो पहले थे तुम, तुम्हारे बर्थडे में गए थे, हाँ हम इतना इंटरेस्ट भी नहीं है अपने बर्थडे में, अब बुढ़ी हो गए, बचपने में इंटरेस्ट था। अम्मा अब्बा के भी कहते बच्चे बुढ़िया हो गए, बुढ़े हो गए, बड़े तो मल्ली मल्ली। दुआ देते रहे मेरे बच्चों को, उनको करोड़ दिमाग, इसीलिए हम पानी रखने लगते हैं रोज सुबह, मेरा नियम है पहले हम चाय बाद में पीते हैं, पहले पानी ला के रखते हैं। अब ये आज इसको हम ले जाएंगे कुछ रगड़ के धोएंगे, इसको काई जम गई इसमें, हाँ वो पानी रखते रखते काई जम गई है, इसका मुँह भी इतना नहीं जा रहा, वो पानी नीचे हो गया है। अच्छा ये तो रही है, लेकिन चोज लंबी लुक की होती है ना, कबूतर से लंबी तो होती है, चलिए क्या है क्या। अच्छा चलिए पी रही है। तो यहाँ पे हम लोग चले गए थे बाबा स्वीट, पिज्ज़ा खाने की क्रेविंग हो रही थी और दोनों दिन हम लोग को पिज्ज़े मिले तो हमने सोचा अंदर का दिखा रहे थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि रमज़ान का पहला आखिरी संडे था, उसके बाद सब दूसरा संडे रमज़ान पड़ेंगे तो कहीं जा नहीं पाएगा, तो इसलिए हम लोग चले गए थे। और दूसरे दिन हम लोग मौनी के अपनी गए थे और वहाँ भी नाश्ता वाश्ता कर लिया था, उसके बाद भाभी ने पिज़्ज़ा मंगा दिया, तो वहाँ भी हमने कहा भाई जब दिल चाहता है ना सब कुछ मिलता ही जाता है, अगले पहले ही पिज़्ज़ा मिला उसके बाद भी, और पिज़्ज़ा इतना यम था ना, पिज़्ज़ा ऑन डिमांड जो बकर मंडी पे है ना वहीं का पिज़्ज़ा था, इतना यम था, अंदर से इतनी चीजनेस थी, इतना चीज़ बस पिज़्ज़ा था, बहुत अच्छा था। और एक बार और भी जब हॉस्पिटल देखने गए थे तब भी वहीं पर पिज़्ज़ा खाया था, लेकिन उनका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा होता है, और अगर आपको जाना हो तो आप लोग ले सकते हो जाके। यहाँ पे सब प्लेट्स लग रही हैं सबके लिए अलग अलग पीजेज के लिए, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक भी, और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद दांत में इतनी खांसी आने लगी, हमने कहा कोल्ड ड्रिंक भी नुकसान करे, गरम गरम पिज्ज़ा उसके बाद ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक, और मौसम जो है वो भी चेंज हो रहा है, अक्सर ऐसा हो रहा है वायरल फीवर तो बहुत चला है, बुखार उतर रहा है चढ़ा है, तो ये सब टाइफाइड की भी बहुत सारे वो हैं निशानियाँ जो होती हैं, तो इसलिए आप लोग अपना ध्यान रखें कि ये ठंडा मौसम और ऐसे ये हुआ जा रहा है, तो थोड़ा बहुत इंसान को परहेज़ रखना चाहिए हर चीज़ से। तो बस यहाँ पे हम लोग सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं मिलके, और आई होप आप लोग को ही पसंद आया हो मेरा व्लॉग, और इंशाल्लाह एक व्लॉग और आएगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलेंगे आपसे बहुत जल्द प्यारी सी वीडियो के साथ, और जो भी हो कमेंट करिएगा बट अच्छे करिएगा, जो भी करिएगा लेकिन करिएगा ज़रूर, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।